लॉरेंस गैंग के नाम से रंगदारी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रीगंगानगर पुलिस ने 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी। इन बदमाशों ने परिवादी रमेश कुमार से गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल के नाम से रंगदारी मांगी थी। एसपी परेश देशमुख ने बताया कि रमेश कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस की गाड़ी को पास आता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में थानाधिकारी ने फायर किया, जिससे आरोपी हरीश के पैर में गोली लगी। टीम की मदद के बाद आरोपी हरीश और उसके अन्य साथियों पर नियंत्रण किया गया। पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के बहावाला पुलिस थाना इलाके के हैं। लगभग एक महीने पहले यहां पर एक प्रॉपर्टी कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने धमकी दी थी, और उस धमकी को और फर्दर मजबूत करने के लिए दो गुर्गे उसके घर जाते हैं और उसको और धमकाते। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, इनकी जांच शुरू की गई और उनको आइडेंटिफाई किया गया। आज ये सूचना मिली कि उनमें से एक आरोपी की मूवमेंट है, जिस पर SHO कोतवाली अपनी टीम के द्वारा गए और साधुवाली के पास इनका आमना सामना हुआ, जिस पर जब आरोपियों ने फायर किया पुलिस की टीम पर, तो पुलिस की टीम ने जवाबी फायर किया, जिसमें एक गोली हरीश नामक आरोपी के पैर पर लगी है और उसे अभी अस्पताल में एडमिट किया गया।